एक हम फ्रेमिंग क्वेश्चन यानी कि प्रश्न बनाना सीख रहे थे। आंसर दिया हो उससे प्रश्न कैसे बनाया जाता है वो सीख रहे थे। यस आई प्ले क्रिकेट, आंसर दिया हुआ है यस आई प्ले क्रिकेट। हाँ मैं क्रिकेट खेलता हूँ। आंसर में यस या नो आता हो तो प्रश्न किससे बनेगा, यस या नो हो तो प्रश्न किससे बनेगा, हेल्पिंग वर्ब से बनेगा। किससे बनेगा, हेल्पिंग वर्ब से। अपने को यहाँ ये देखना है हेल्पिंग वर्ब कहाँ है। वाक्य में हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो फिर वर्ब को देखना है। जैसे यहाँ पर इज आता, आर आता, एम आता, वा जाता, वर आता तो वो हेल्पिंग वर्ब है। अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो फिर किसको देखते हैं, वर्ब को, फर्स्ट है या सेकंड है। मैंने कल भी करा है इसके वाक्य। प्ले कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है। प्ले अगर फर्स्ट फॉर्म है तो फर्स्ट फॉर्म में नियम लगता है या तो डू लगाओ या क्या लगाओ, डज लगाओ, और यू आई और बहुवचन कर्ता के साथ टू का प्रयोग किया जाता है। यहाँ आई है, जब प्रश्न पूछेगा तो आई नहीं यू आएगा। तो हम जब क्वेश्चन बनाएंगे तो यू के साथ किसका प्रयोग किया जाता है, डू का प्रयोग किया जाता है, डू का। डू क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पर वर्ब है प्ले। ये प्ले कौन सी फॉर्म है वर्ब की, फर्स्ट फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म हो तो डू डच लगाते हैं, इसलिए डू आ गया। फिर आई बदल दो यू में, डू यू, फिर क्या आ गया, प्ले, फिर क्या आ गया, क्रिकेट। क्या बन गया, डू यू प्ले क्रिकेट, और पर्सन बन गया। समझ में की बात कि किस तरह वाक्य को क्या करना है, अपने को बनाना है। नो शी इज नॉट ईटिंग, तो बस नहीं आ गया ना, नो आ गया। अपने को पर्सन बनाना है, अपने क्या करना है, यस आओ चाहे नो आओ। अपने को यस या नो आए तो हेल्पिंग वर्ब को देखना है। वाक्य में हेल्पिंग वर्ब है क्या यहाँ पर, जैसे इसमें नहीं थी तो फर्स्ट फॉर्म देखिए, इसमें है, कौन है, इज है, कौन है, इज है। अगर हेल्पिंग वर्ब हो तो इस हेल्पिंग वर्ब को आगे ले जाओ, इज आगे आ गया। फिर सब्जेक्ट को देखो क्या आ रहा है, सी, इज सी। नॉट का प्रयोग नहीं करना है, नो का प्रयोग नहीं करना है, इज सी। ईट के साथ आईएनजी जोड़ दो क्या बन जाएगा, ईटिंग बन जाएगा। ये अपना प्रश्नवाचक चिन्ह लगाकर प्रश्न बन गया, इज सी ईटिंग, क्या वह खा रही है। तो आंसर आ गया यस ही इज ईटिंग। बस ये ध्यान रखना है और किसी वाक्य में कुछ नहीं करना। यस शी बॉट दिस कार, फिर वही बात, यस या नो आ रहा है तो हमको कहेंगे हेल्पिंग वर्ब देखेंगे। ये देखो यहाँ यस आ रहा है, यस या नो आए, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है। तो ये जो बी ओ यू जी एस टी बॉट है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो फिर क्या देखनी है, वर्ब देखनी है। वर्ब जैसे यहाँ प्ले फर्स्ट फॉर्म थी, लेकिन बाइक की सेकंड फॉर्म बॉट होती है, ये सेकंड फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है। तो फर्स्ट फॉर्म हमने डू डच कहा था, सेकंड फॉर्म हो तो याद रखना है किसका प्रयोग किया जाता है, डिड का प्रयोग किया जाता है। सेकंड फॉर्म हो तो किसका प्रयोग किया जाता है, डिड का, तो लग गया डिड। सब्जेक्ट क्या है, सी, डिड सी आ गया। बॉट तो कौन सी फॉर्म है, थर्ड फॉर्म, सेकंड फॉर्म आ रही है यहाँ पर। फर्स्ट क्या होती है, बाय, सेकंड होती है बॉट, थर्ड होती है बॉट। अपने हमने यहाँ पर कहा था ये बॉट कौन सी फॉर्म आ रही है, सेकंड फॉर्म आ रही है, लेकिन डिड के बाद हमेशा कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म आती है, इसलिए बाय आ जाएगा, दिस आ जाएगा, कार का कार आ जाएगा। पर्सन बन गया, डिड सी बाय दिस कार। तो आसानी से बना सकते हैं, कठिनाई नहीं है वाक्य को बनाने में, बस थोड़ा सा ध्यान रखते हुए हम वाक्य को आसानी से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। यस, तो नो से बनाओ, नो
दे डू नॉट ईट फूड, पर्सन बनाओ। तो इसमें क्या आ रहा है? नो यस आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है। तो हेल्पिंग वर्ब से बनेगा, हेल्पिंग वर्ब से। हेल्पिंग वर्ब में हेल्पिंग वर्ब इज आ रहे हैं, वाज वर हैज हैव हैड कहीं दिखाई दे रही है? नहीं दे रही। क्या डू डज डिड दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? डू दिखाई दे रहा है। तो इस डू को आगे ले जाओ, पर्सन बनाते समय इस डू को आगे ले जाओ। डू डज डिड हो या मॉडल हो तो आगे ले जाओ। सब्जेक्ट क्या आ रहा था? दे आ रहा था, डू दे। नॉट का प्रयोग नहीं करना है, ईट आ जाएगा और क्या आ जाएगा? फूड आ जाएगा। पर्सन वाचक क्या लगा देंगे? चिन्ह लगा देंगे। इस प्रकार पर्सन बनाना सरल है और हम दो तीन दिनों से पर्सन बनाना सीख रहे हैं, तो आसानी से आप पर्सन बना सकते हो। बस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का, हेल्पिंग वर्ब का, सेकंड फॉर्म का, इनका थोड़ा सा आपको गौर रखना है, पहचान करनी है।